मैं मौजूद थी, ऊपर छत पे खड़ी थी अपने, और उसने जब ऐसा हाथ करके देखी थी तो उसके हाथ में पूरा खून लगा हुआ था। तो फिर उसको देखी तो फिर मुझे रोना आया, तो फिर मैंने सबको आवाज़ दी, तो फिर मैंने बोली इसको लेके जाओ। तो फिर एक भैया ने उसका पूरा गला वाला करके तो उनका गला कैसे कटा है बता सकते हैं आप मुझे? मंजे से, नहीं, और जब उसका पूरा खून निकल रहा था, बहुत ज़्यादा ही निकल रहा था, तो फिर मैं सबको रो रो के बोलने लगी। आप बच्ची की माँ हो, आपका नाम बताएं? सरवन खाती नागपुर में, नागपुर में। कैसे आपकी बच्ची का गला कटा है? बच्चे आए स्कूल से, नहाए धोए खाना खाए और बच्चे खेलने गए, तो थोड़ी देर में 5 मिनट में ऐसा हादसा हुआ। कैसे गला कटा आपकी बच्ची अब का? कैसे कटा वो अल्लाह है, तुम्हारे में तो देखे भी नहीं। सब कह रहे कि आपकी गला, आपकी बेटी का मंजे से गला कटा है। अब मंजा से कटा, कैसे कटा, अल्लाह के मारे मंजे से कटा। तो अभी मकर संक्रांत चालू होने की है, मकर संक्रांत चालू होने के पहले आपकी बच्ची का गला कटा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कैसे क्या गला कटा, कोई बच्चे के हाथ से हुआ था या कैसा हुआ था? वो नहीं देखे हैं, वो नहीं देखे आपने? तो जो गला कटा है ना, वो मंजे से ही कटा है, और भी इतना खतरनाक कटा है कि मतलब देखने लायक नहीं है। दूसरी बात कि सरकार को इस चीज़ पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो काम की नहीं, सिवाय नुकसान के अलावा। एक फ़ायदेमंद होता है तो समझ में आता है, तो फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो इस पर बैन लगाए तो बैन लगाना चाहिए ना सरकार को इस चीज़ पे, क्योंकि ये तो काम का नहीं है ना, ये तो सिवाय नुकसान के अलावा फ़ायदा तो है नहीं। अभी 14 तारीख चालू होने का है और उससे पहले बच्चे का गले कट गया है, ये इतना नुकसान है, कौन बढ़ेगा इसका नुकसान? ऐसे कई हादसे होते हैं और मंजा इतना तेज होता है कि जिसकी वजह से बच्चे गले कट जाते हैं। बोलना चाहेंगे बच्चे का कितना गला कटा हुआ है? बच्चे का गला तो समझिए कि अपना ये जो नड्डा है, नड्डे से लेके ये वन साइड तक काफी कटा हुआ है। जो अंदर की नड्डा देख रही है, बाकी पूरा मांस कटा हुआ है। कितने टाके लगे उसको?